पर्वतारोहण का शाब्दिक अर्थ पर्वत पर चढ़ना होता है। यह एक रोमांचकारी और जोखिम भरा अभियान है। यह अभियान एक दिन में संपूर्ण नहीं होता। यदि इसे खेल कहें तो यह 2-3 दिन से लेकर 3-4 महीने तक चलता है। यह खेल प्रकृति पर विजय प्राप्त करने वाला खेल होता है। इस खेल में पर्वतारोही खाने पीने की चीज़ों से लेकर रस्सी आदि व छोटे मोटे उपकरण भी जो ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सहायक होते हैं लेकर चढ़ता है। सन 1850 में जब आल्पस पर्वत पर चढ़ने में कुछ लोगों ने सफलता प्राप्त की थी, भारत में इस अभियान को क्रीड़ा के रूप में लोकप्रिय बनाने वाले R.L. होल्डवर्थ तथा G.A. मार्टिन थे। हिमनद पर चलते समय बर्फ की खाइयाँ सबसे अधिक खतरनाक होती हैं। बर्फ में यह विशाल दरारें अक्सर नजर नहीं आती क्योंकि इन पर बर्फ की एक पतली परत जमने से एक स्नो ब्रिज सा बन जाता है। आम युग में दर्ज किया गया सबसे पहला पर्वतारोहण रोमन शासक हैड्रियन की एटना 3350 मीटर पर किया गया आरोहण था। एक बार लियोनार्डो दा विंची मांटे रोजा के निकट एक बर्फीले इलाके में चढ़ गए और वहां वैज्ञानिक शोध किया। 1744 में टाइटस पर आरोहण किया गया जो किसी बर्फीले पर्वत पर पहला आरोहण था। एक खेल के रूप में सुनियोजित पर्वतारोहण 1854 में सर एल्फ्रेड विल्स के वेटरहॉर्न के आरोहण से आरंभ हुआ। मोंटे रोजा पर पहला आरोहण 1855 में किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 को पहली बार तेनजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी ने चढ़कर इतिहास रचा। पर्वतारोहण एक खतरनाक खेल है। इसमें जान जाने के बहुत चांस होते हैं। भारत में पर्वतारोहण के कुछ संस्थान हैं। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी जो कि उत्तराखंड में है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग जो कि पश्चिमी बंगाल में है। तो ये थी पर्वतारोहण के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।